एसएसपी विपिन ताड़ा के निर्देश एवं एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह के द्वारा पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में शहर के ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों और ट्रैफिक पुलिस के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जाए, जिससे आने वाले समय में युवा पीढ़ी के साथ स्वस्थ समाज और शहर का विकास हो सके। उन्होंने बताया कि किसी चालक के नेत्र स्वस्थ होते हैं तो उसके साथ साथ यात्रा करने वाले लोग और घर परिवार के लोग भी सुरक्षित रहते हैं। जब कोई परिवार सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ रहता है तो उसकी भागीदारी देश के निर्माण में अधिक होती है। हम सबको अपने शरीर एवं नेत्रों की जांच समय समय पर कराते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में समय समय पर शहर में विभिन्न जगहों पर सभी प्रकार के चालकों एवं पुलिस कर्मियों को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करके उनका जाँच कराई जाए, ताकि वो स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। इस अवसर पर निरीक्षक मनोज कुमार राय सहित ऑटो चालक एवं डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, जनपद के ई रिक्शा चालकों के लिए और ऑटो ड्राइवर्स के लिए आज आँख परीक्षण कैंप का पुलिस लाइन में आयोजन किया गया है। अगर हमारे जो रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जितने लोग हैं, ई रिक्शा, ऑटो चालक, इनकी अगर आई पावर ठीक रहेगी या आँख में कोई समस्या होगी, पहले ही पता चल जाएगा। एक तो ये उनके लिए चैरिटी का काम है, इसके लिए चैरिटी के लिए बाबा विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, संगम आई हॉस्पिटल और अग्रवाल हेल्थ केयर सोसाइटी द्वारा पुलिस लाइन में कैंप लगाया गया है। तो यातायात व्यवस्था में
दुर्घटना के चांसेस भी कम रहेंगे और कोई बीमारी होगी तो पहले से ही पता चल जाएगा, तो पहले से अच्छा इलाज ये करा लेंगे। ये सभी ऑटो और टेम्पो चालकों के कल्याण में किया गया है।